मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। इसको लेकर प्रदेश में पोस्टरबाजी भी जमकर हो रही है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में मोस्ट वांटेड करप्शन नाथ लिखे हुए पोस्टर लगाए गए थे। हालांकि ये पोस्टर किसने लगवाए ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसने राजधानी का माहौल गर्मा दिया है। इसके जवाब में कांग्रेस भी पोस्टर लेकर आई थी। भोपाल में एक कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से लगाए गए पोस्टर में QR कोड के साथ शिवराज सरकार को 50% कमीशन वाली सरकार बताया गया था। वहीं अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खुलेआम लूट मची हुई है। कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि अधिकारियों को मुख्यमंत्री निवास से फोन जाता है कि कौन सी पोस्टिंग चाहिए बताओ, कमाओ पोस्टिंग के लिए मेन्यू कार्ड लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि इतना भ्रष्टाचार हमने अपने जीवन काल में नहीं देखा है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।